सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में बताया गया है कि इकोनॉमी तीन सेक्टर्स में डिवाइड है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, ठीक है, तीन सेक्टर में डिवाइड है और जो तीनों सेक्टर हैं एक दूसरे पे डिपेंड है। कैसे डिपेंड है वो एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। जैसे देखो एक कोई भी शुगर केन बनता है, गन्ना बनता है, शुगर केन बना, उससे आपका गुड़ बना, गुड़ को आपने मार्केट में बेचना, उसके लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए, इस तरह से तीनों के तीनों सेक्टर एक दूसरे पे क्या है, डिपेंड है, ठीक है। किसी भी देश की जो इकोनॉमी है, ठीक है, उसको कैसे मेजर कैसे किया जाता है, मेजर अगर तो थिंग्स के हिसाब से करेंगे तो उसे मेजर करना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। किसी भी देश की जो इकोनॉमी है वो हम तीन सेक्टर में डिवाइड होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, ठीक है, तीनों पे ही डिपेंड करती है किसी इकोनॉमी। और उसे मेजर कैसे करते हैं किसी भी देश की इकोनॉमी को, जीडीपी की हेल्प से। जीडीपी का मीनिंग क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा, इसमें क्या करना है, ठीक है, इसकी क्या वैल्यू है, कैसे एक प्रोडक्ट की कितनी वैल्यू कितनी है, कितने रुपीज का, उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं किसी भी देश की सभी प्रोडक्ट की वैल्यू को काउंट करेंगे, ना कि उनकी क्वांटिटी को, वो कितनी मात्रा में है, हर प्रोडक्ट की हम क्या करेंगे उसकी वैल्यू को काउंट करेंगे, वे कितनी वैल्यू है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट असल में है क्या कि किसी भी देश में कितने प्रोडक्ट पर्टिकुलर ईयर में कितने प्रोडक्ट्स बनते हैं और कितने सेल किए जाते हैं और कितनी इनकम आती है उससे, ठीक है, वो क्या था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी, उसका हिसाब लगाया जाता है कि अब किसी देश की कंट्री की जीडीपी बढ़ी है या किसी देश की जीडीपी कम हुई है, ठीक है। अब देखो इसकी एग्जांपल लेते हैं, जीडीपी कैसे पैसे के हिसाब से जीडीपी कैसे काउंट कर सकते हैं आइटम्स के हिसाब। अब देखो कोई तीनों सेक्टर भी उसमें काउंट करूंगा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। कोई प्राइमरी सेक्टर में आपको पता है नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हैं, जैसे किसान अब फार्मिंग करते हैं या दूसरा, ठीक है, कोई भी किसान उसने वीट उगाया, कनक उगाई, ठीक है, कनक उगाई, उसने वो पर केजी के हिसाब से एट रुपीस के हिसाब से वो फ्लोर मिल को, आटा बनाने वाली मिल को, फ्लोर मिल को उसने सेल कर दिया, ठीक है। उसके बाद वो क्या आ गया आपका सेकेंडरी सेक्टर, क्योंकि इंडस्ट्री है, ठीक है, उस मिल ने क्या किया, उसका फ्लोर बनाया और उस जो वीट का फ्लोर बनाया, फ्लोर बनाने के बाद उसने वो फ्लोर आटा जो था बिस्किट कंपनी को बेच दिया कितने रुपीस के हिसाब से, 10 रुपीस पर केजी के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद फ्लोर मिल ने क्या किया, सॉरी बिस्किट मिल ने, बिस्किट बनाने वाली कंपनी ने क्या किया, उसका बिस्किट बनाया किसके साथ, ऑयल और शुगर मिक्स करके उसका एक बिस्किट बना लिया, ठीक है, बिस्किट बना लिए और बिस्किट को पर पैकेट के हिसाब से 15 रुपीज़ पर पैकेट के हिसाब से मार्केट में सेल कर दिया। और उसकी टोटल वैल्यू क्या हुई, टोटल वैल्यू टोटल प्रोडक्ट से काउंट करेंगे क्योंकि उसमें वीट की भी कीमत है, ठीक है, शुगर की भी है, इंग्रेडिएंट्स भी हैं, उसकी टोटल वैल्यू होगी, ठीक है, उसकी टोटल वैल्यू ऐड हो जाएगी, उसकी टोटल वैल्यू ऐड होगी, वो टोटल उसकी प्रोडक्ट आ जाएगा, फिर टोटल उसकी कितना उस पर खर्चा हुआ, कितने का उसने सेल किया, इसी हिसाब से सारे सेक्टर्स की कोई भी प्रोडक्ट, इसी तरह से कोकोनट की एग्जांपल है, किसी ने कोकोनट जो मार्केट में सेल किया किसान ने, उसके बाद उसका ऑयल बनाया गया, ऑयल उसने मार्केट में सेल किया, उसमें टोटल वैल्यू ऐड कर लेंगे, ठीक है। जीडीपी का फॉर्मूला क्या है, इनकम ऑफ प्राइमरी सेक्टर, इनकम ऑफ सेकेंडरी सेक्टर और इनकम ऑफ जो है आपकी टर्शियरी सेक्टर, ये आपकी तीनों की ऐड हो जाएगी, कितनी उसमें आपकी ऐड कितना आती है, ठीक है, टोटल प्रोडक्ट की मतलब वैल्यू कॉस्ट करते हैं जीडीपी में, ना कि उसको अकेला अकेला क्वांटिटी कॉस्ट, ठीक है। जो इंडिया में है जीडीपी, इंडिया में जीडीपी जो इंडिया में जीडीपी डिपेंड करती है, इसी हिसाब से हम इंडिया में जीडीपी ज़्यादातर प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड करती है, ठीक है, प्राइमरी क्योंकि फार्मिंग ज़्यादा यहाँ पर होती है, ठीक है। इंडिया में जीडीपी
जो कैलकुलेट करती है वो क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, जो इस ये कैलकुलेट करता ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इसको मेजर करती है किसकी हेल्प से, स्टेट और यूनियन टेरिटरी की हेल्प से, दोनों से कोऑर्डिनेशन बना के जीडीपी कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। ये तो था जीडीपी के बारे में, जीडीपी कैसे कैलकुलेट की है। अब आपको बताएंगे टाइम के हिसाब से, टाइम चेंज, जब टाइम चेंज हुआ टाइम के हिसाब से कैसे कैसे जीडीपी पे कैसे इफेक्ट पड़ा, कैसे कैसे तीनों सेक्टर्स पे डेवलपमेंट हुई। अब मैं आपको जो ये टाइम के हिसाब से तीनों सेक्टर पे इफेक्ट किया वो डेवलप्ड कंट्री के बारे में बताऊँगा, ठीक है। पहले जो था 100 ईयर्स पहले जो प्राइमरी सेक्टर पे ज़्यादा कोई भी सेक्टर कब डेवलप्ड माना जाता है, इसको डेवलप माना जाता है तब डेवलप माना जाता है कि कितने लोग उस सेक्टर में एम्प्लॉयड है, कितने लोग उस सेक्टर में काम कर रहे हैं जहाँ इनकम आ रही है कितने लोगों को उस सेक्टर से, वो सेक्टर तभी डेवलप माना जाएगा, ठीक है। सबसे पहले लोग प्राइमरी सेक्टर पे काम करते थे, प्राइमरी सेक्टर में जैसे देखो माइनिंग, ठीक है, फार्मिंग, फिशिंग, ये प्राइमरी सेक्टर थे, लोग ज़्यादातर इस सेक्टर में काम करते थे और इनकम इस सेक्टर में से ज़्यादा थी, पहले ये डेवलप कंट्री में सबसे पहले ये था। उसके बाद क्या हुआ, लोगों के पास पैसा आना स्टार्ट हो गया, ठीक है, मनी आनी स्टार्ट हो गई, तो उन्होंने क्या किया, जो वो क्या किया, इंडस्ट्री लग गई, धीरे धीरे इंडस्ट्री बनी, ठीक है, इंडस्ट्री लग गई, वो प्रोडक्ट इंडस्ट्री में जाने स्टार्ट हो गए, लोगों ने देखा कि ये यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहे हैं, लोग वहाँ पर एम्प्लॉयड होने स्टार्ट हो गए, लोगों ने वहाँ से इनकम कमाना स्टार्ट कर दिया, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, वहाँ पर लोग उस सेक्टर में ज़्यादा एम्प्लॉयड हो गए, ठीक है, और वहाँ पर इसका मीनिंग क्या था। उसके बाद दूसरा सेक्टर तभी ग्रो करेगा अगर प्राइमरी सेक्टर उस कंट्री में डेवलप हो चुका है, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर उस कंट्री में डेवलप हो गया तो सेकेंडरी सेक्टर डेवलप होना स्टार्ट हो गया। जिस कंट्री में हम डेवलप्ड कंट्री क्या है, डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री में क्या फर्क है, डेवलपिंग मतलब जो तरक्की कर रहा है, डेवलप्ड मतलब जो तरक्की कर चुका है और उस तरक्की को आगे आगे बढ़ा रहा है, ठीक है। डेवलप्ड कंट्री में क्या है, वो प्राइमरी सेक्टर पहले से डेवलप कर चुका है, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर के हेल्प से क्या है, जब प्राइमरी सेक्टर हो गया तो सेकेंडरी सेक्टर में लोग ज़्यादा एम्प्लॉयड होने स्टार्ट हो गया, ठीक है, वो सेक्टर भी डेवलप कर गया। लोगों ने क्या किया, जो हैंडमेड चीज़ थी जैसे वूल से बनाया गया, कॉटन से बनाए गए कपड़े थे, जो हाथ से बनाए गए वो महंगे थे, जो इंडस्ट्री बनाए थे वो इस पे सस्ते थे, इसलिए लोगों ने क्या किया कि इंडस्ट्री के गुड्स यूज़ करना ज़्यादा यूज़ कर दिया, स्टार्ट कर दिया, और उसका उससे क्या बेनिफिट हुआ भी आपका जो इंडस्ट जो सेकेंडरी सेक्टर था, सेकेंडरी सेक्टर डेवलप कर गया, सेकेंडरी सेक्टर डेवलप होने से क्या था, लोगों के पास और बेनिफिट आ गया, और पैसा आ गया। लोगों ने फिर टर्शरी सेक्टर क्या था, टर्शरी सेक्टर डेवलप होना उस कंट्री में स्टार्ट हो गया, ठीक है। टर्शरी सेक्टर जब डेवलप होना स्टार्ट हो गया, टर्शरी सेक्टर में क्या था, देखो आजकल लोगों के पास पैसा, लोग मूवी देखने जाते हैं, ठीक है, घूमने जाते हैं, ठीक है, ट्रैवलिंग करने जाते हैं, लोग एरोप्लेन में सफ़र करते हैं, ठीक है, ये कब लोग करेंगे जब उनके पास पैसा। तो जो डेवलप्ड कंट्री है उसमें तीनों सेक्टर डेवलप हो, ठीक है, प्राइमरी डेवलप हुआ, फिर सेकेंडरी डेवलप हो गया, डेवलप होने के बाद टर्शरी सेक्टर डेवलप हुआ, ठीक है। यह डेवलप्ड कंट्री के बारे में बताया था। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा आपको मैं डेवलपिंग कंट्री के बारे में, जो हमारा इंडिया है उसमें तीनों सेक्टर्स कैसे डिपेंड करते हैं वो आपको समझाऊंगा, ठीक है।